नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। पिछले मार्च में करीबन 75 दिन पहले मैंने रेलवे विभाग से निवेदन किया था कि जो खाली बेड हैं, जो ट्रेन बंद पड़ी हैं, उसको आइसोलेशन बेड में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसको देखते हुए बाद में सोशल मीडिया पे ये मांग चली। अमिताभ बच्चन जी ने भी इस मांग को उठाया और पूरे देश के प्रभाव के कारण रेलवे मंत्रालय ने 28 मार्च सन 2020 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि रेलवे के हमारे जितने भी खड़ी ट्रेनें हैं उसको आइसोलेशन बेड में कन्वर्ट कर दिया जाए। आज लगभग 75 दिन होने आया है। मैंने बार बार रेलवे मंत्रालय से ट्वीट करके जानकारी मांगी है कि ये रेलवे के जो बेड्स हैं कहाँ पे हैं। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आने के कारण मैं आज खुद ये चेक करने के लिए आया हूँ। मेरे पीछे आप ये रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, ये जो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, ये आइसोलेशन बेड इसको बनाया गया है। इसमें करीबन 600 बेड इसमें आपको दिखने को मिल रही है। मेरे पीछे जो ट्रेन खड़ी है, क्या कह रहे हैं, पटरी दिख रही है, ट्रेन नहीं दिख रही है? अरे भाई, इतनी बड़ी ट्रेन दिख रही है, सरकार ने इतनी मेहनत की है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बस यही चीज हमारे देश में हो रही है कि बस इस पे जो आपको जिस तरह से आपको ट्रेन नहीं दिख रही है, बस यही पूरे भारत की स्थिति है। यहाँ पे कोई भी काम जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। आप जिस तरह से मेरे पीछे ये ट्रेन नहीं देख रहे हैं, अगर यही चीज आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आप देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, आपको विकास नहीं दिख रहा। देखिए, विकास मैं दिखाने के लिए आया हूँ आज। ये जो विकास है ये पूरे देश को देखना जरूरी है। कोविड जैसे मामले में इस समय देश पूरे कोरोना से जूझ रहा है और उसके बीच में इस तरह का जो ट्रेन हमारे पीछे खड़ी है, इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं, जो केवल सरकार को दिखाई देती है, जनता को दिखाई नहीं दे रही है। तो ये वीडियो मैंने इसके लिए बनाया है। आज पटरी पे मैं खुद खोजने के लिए आया हूँ कि जिस तरह से ये ट्रेनें और पटरियां खाली हैं, आपको ट्रेन नहीं दिख रही, सिर्फ पटरियां दिख रही हैं, ठीक ऐसे ही सरकार इस समय देश में काम कर रही है। उनका काम केवल सरकार को दिखाई दे रहा है, जनता तक वो चीज़ नहीं आ पा रही है। एक इकोनॉमिक्स टाइम्स करके न्यूज़ चैनल है, समाचार पत्र है, उसने लिखा था कि 3,20,000 बेड को कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें से रेलवे ने 5,000 ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। लेकिन यथास्थिति जमीनी स्तर पे यही हालत है। और जिन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के और मोदी भक्तों ने मुझसे कहा था कि बाहर आके वीडियो बनाओ, तो लो भाई, मैं बाहर आ गया हूँ और मैं आपको जमीनी स्तर की चीज़ें दिखा रहा हूँ। शायद आशा करता हूँ आगे आप लोग नहीं निवेदन करोगे कि आप बाहर आके रोड पे आके सड़क पे आके बात करो, आप कब तक घरों में कार में बैठ के वीडियो बनाओगे? तो ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों को जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ सरकार की। और जो रेलवे मंत्रालय आता है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये स्थिति है आज की, केवल खाली ट्रैक है, कोई ट्रेन नहीं, कोई आइसोलेशन बेड नहीं, और यही सरकार का विकास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विकास दिखाएं, पहुंचाएं और उनको बताएं कि देश की सरकार इस तरह से काम कर रही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।